सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। पशु पक्षियों को भी मृत्यु का डर है। जो कुछ समझ नहीं सकते उन्हें भी ये पता है कि मृत्यु क्या है। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा ना, जो लोग पॉपकॉर्न खाते हैं तो वो खाते खाते दो चार गोदी में भी गिर जाते हैं, नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन जो खाने वाला है वो छोड़ता उनको भी नहीं है, लास्ट में तो वो उनको भी खा लेता है। तो इसी प्रकार से काल के गाल से बचने वाला कोई है नहीं। अगर वो इधर उधर शॉर्टकट की सोचे तो वो काल के गाल में तो सबको जाना ही है, लेकिन मृत्यु के भय से भी जो हमें मुक्त कर दे वो है श्रीमद् भागवत जी की कथा। भगवान का भक्त हो एकदम निडर होना चाहिए, बेखौफ होना चाहिए। जब तक डर हृदय में रहेगा, डर किस बात का हो, बुरे कर्मों का डर होना चाहिए, चोरी का डर हो, झूठ बोलने का डर हो। लेकिन जब श्रीमद् भागवत जी का हम आश्रय ले लें उसके बाद भय से मुक्ति प्रदान है। लेकिन हम संसार में जीव इस प्रकार से फंसा हुआ है कि वो प्रभु के चरणों की ओर शीघ्र जा नहीं पाता। एक बुजुर्ग थे, उनका अंत समय आ गया, चारपाई पे लेटे हुए थे। पूछने लगे वो छोटा बेटा कहाँ है, उन्होंने कहा जी आपके सर की तरफ खड़ा है, पंखे से हवा कर रहा है। बीच वाला बेटा कहाँ है, बोला वो आपके पैरों की मालिश कर रहा है। सबसे बड़ा बेटा कहाँ है, बोले जी सबसे बड़ा बेटा आपके माथे पर विक्स लगा के मालिश कर रहा है। बुजुर्ग कहने लगे जब तीनों बेटे यहां पर हैं तो दुकान पे कौन है। अब तैयारी प्रभु के धाम में जाने की है, लेकिन ध्यान कहाँ है, दुकान में। चित्त की वृत्तियां कहां फंसी हुई हैं, व्यापार में। इसीलिए कहा गया है कि भजन करने का जो सही समय है, भजन के बीज को बीजारोपण करने का जो सही समय है वो बाल्यकाल की अवस्था है। क्योंकि जब आदत जब नहीं पड़ेगी ना तब ये परिणाम होगा। अब आदत पड़ी हुई है झूठ बोलने की, आदत पड़ी हुई है व्यापार करने की, गद्दी पर बैठने की, दुकान खोलने की, प्रभु का भजन किया नहीं, तीर्थ में कभी गए नहीं, दान कभी किए नहीं, पुण्य कभी किए नहीं, प्रभु के दर्शन कभी किए नहीं। तो अंत समय में चित्त की वृत्तियां जहां फंसी हुई हैं वो वहां से निकल नहीं सकती हैं। थोड़ी देर बाद कहने लगे अच्छा सुनो, वो बुजुर्ग थे करीब 90 साल के, उनकी धर्म पत्नी होगी करीब 85 साल की। कहने लगे सुनो, हाँ जी, बोले जब मैं तुम्हें विवाह करके लाया था ना उस समय तुम बड़ी सुंदर लगती थी, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक बार वही श्रृंगार करके एक बार मेरे सामने बैठ जाओ ताकि मेरे प्राण आराम से निकल सके। अब वो 85 साल की मैया कहने लगी अरे आपकी तो बुद्धि खराब हो गई है, यहां बेटों की बहुएं भी हैं और बेटे के बेटे की बहुएं भी हैं। बोले कोई बात नहीं, सब बच्चों ने कहा कोई बात नहीं दादी जी, दादा जी की अंतिम इच्छा है पूरी कर दो। ले गए अब दादी जी को भीतर, श्रृंगार करके दुल्हन का लाके सामने बिठा दिया। अब दादी जी के मुंह में एक भी दांत नहीं, पेट में एक भी आंत नहीं, और बैठ गई श्रृंगार कर।
5 मिनट बैठी रही, कहने लगी, अब बड़े संकोच उनको, 5 मिनट बाद कहने लगी, अच्छा जी तो मैं अब जाऊं, पर नहीं 5 मिनट और बैठे, और बैठी रही। 5-10 मिनट के बाद पूछा, अच्छा जी आप कहो तो मैं जाऊं, बोले नहीं 5 मिनट और रुको चले जाए। 5 मिनट करते करते 50 मिनट हो गए, और माता जी कहने लगी कि आप एक बात बताओ, आप मेरे को जाने क्यों नहीं देते हो, मैं कह रही हूँ बार बार जाऊं जाऊं जाऊं, आप रोक लेते हो, कारण क्या है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि देखो अभी थोड़ी देर में यमराज के दूत मुझे लेने के लिए आते होंगे। तो बोले फिर, तो बोले सजी धजी देखकर तुझे ले जाएंगे और मुझे छोड़ जाएंगे, इसलिए बैठा के रखा। जाना नहीं चाहते, मृत्यु का भय है, जाने को तैयार नहीं। वो बुजुर्ग दादी अम्मा भगी, बोले खुद तो मरेंगे, हमें और संग लेके मरेंगे। तो ये मृत्यु का भय जो है ये सब में है, कोई ऐसा नहीं जिसे इस मृत्यु का भय ना हो। इसीलिए श्री सुखदेव जी के पास देवता अमृत का कलश लेकर आए। कहिए अमृत राजा परीक्षित को बुला दीजिए और ये कथा रूपी जो अमृत है ये हमें प्रदान कीजिए। अब देखिए अमृत से भी बड़ी कथा है, क्यों? क्योंकि अमृत पीने के बाद भी देवताओं के मन में भय है। किस बात का भय? कि राजगद्दी ना छिन जाए, सिंहासन ना छिन जाए, कोई स्वर्ग पर हमला ना बोल दे। अमृतत्व की प्राप्ति तो हो गई अमृत को पीकर, लेकिन डरे हुए हैं। और श्रीमद् भागवत जी की कथा व्यक्ति को अभयत्व तो प्रदान करती है, निडर बना देती है। इसीलिए देवताओं ने जाना कि अमृतत्व से बड़ा भी अभयत्व तो है। डर डर के जी रहा है पगले, ये कैसा जी रहा है? प्रभु की शरण में जो आ जाए अभय मुक्त हो जाए। भगवान अभयत्व प्रदान करते हैं और देवताओं का अमृत ये अमृत प्रदान करने वाला है। इसीलिए सुखदेव जी ने देवताओं से कहा कि तुम क्या चाहते हो कि ये कांच के टुकड़ों के बदले तुम्हें मणि प्रदान की जाए? जब तक जीवन में कथा का मूल रूप समझ ना आए, चाहे वो श्रोता हो चाहे फिर वो वक्ता हो, मूल रूप समझ आना जरूरी है। अगर हम कथा सुन रहे हैं तो कथा का तत्व क्या है, कथा सुनना कैसे चाहिए, ये परम आवश्यक है। तो कथा सुनने के लिए श्रोता और वक्ता दोनों अधिकारी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मात्र सिर्फ श्रोताओं के ऊपर ये बात हो कि बड़ी सावधानी से कथा सुननी चाहिए, वक्ता भी सुयोग्य हो और श्रोता भी सुयोग्य हो। वक्ता ऐसा हो जिसे कथा कराने का अभिमान ना आए, ये पहली सीढ़ी है। और ऐसा ही होता है, हमने ये कथा कराई है,
हमने इतने लोगों को आमंत्रित किया है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की हैं, हमने टेंट पंडाल लगवाया है, हमने लोगों को आमंत्रण दिया है। ये कर्ता का जो भाव है ना, सबसे पहले जो कथा के श्रोता हैं वो सावधानी से इस बात को सुने कि कर्तापन का अभिमान ना हो, अभिमान रहित हो। श्रोता अपने कल्याण के लिए कथा सुने।